Yes, students, in lecture number 5, we have completed the characteristics of management. Now we will move forward with objectives of management. इसका मतलब क्या है? ये जो हम लोग इतना मैनेजमेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्यों मैनेजमेंट की जरूरत क्या है भाई? अल्टीमेटली होगा क्या ये मैनेजमेंट को लेकर, मतलब सब कुछ मैनेज्ड वे में एफिशिएंटली इफेक्टिवली चल रहा है, क्या लाभ होगा हम लोगों का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है वही. सो एज आई हैव ऑलरेडी सेड टू यू स्टूडेंट्स दैट व्हेन वी विल मूव विद द ऑब्जेक्टिव्स, मूव विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मे बी बीएसटी फॉर एग्जाम्पल, वी वेर मूविंग विद बीएसटी, दैट मीन्स when we will complete a particular topic, at first we will draw a framework, या फिर we can say that we will draw a outline of that topic, that what will be there in the under mentioned points. So here we will just draw like this, if the question comes in the examination, that what are the objectives of management, what you will write at first, objectives. Okay, so objectives are mainly divided into three parts. At first, organizational or economic objectives, social objectives, personal objectives. No need to write, as because I will send the PDF file of the same to in your group, right? So just see it first, just have a look. Under the organizational or economic objectives, it is further divided into three parts: survival, profit, growth. Okay, in social objectives you can write equal employment opportunities, using pollution free production techniques, spreading education, personal objectives, financial needs of employees, social needs of employees, development needs of employees. Right. So now at a glance, if you see this chart, you can come to know that what are the objectives of management. So basically the objectives are divided into three parts. One is the objective of the organization as a whole, that we may say that the economic objectives. Under this we are seeing that survival. You can say that survival means effective use of human and material resources. So at first it is very much important for the survival of the organization. अगर आज last 3 साल से हम लोग loss कर रहे हैं organization में, कोई profit वगैरह कुछ हो नहीं रहा है, कैसे चलाओगे भाई? Possible है organization continue करना? Possible नहीं है. So at first it is very much important कि जो जितना भी हमारा labors है, employees है,
ठीक है, और जितना हमारा रॉ मटेरियल्स है या फिर जो जो चीज प्रोडक्शन के लिए यूज होता है उसको भाई ऑप्टिमम यूज करो, इफेक्टिव यूज करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ना हो। जितना चाहिए प्रोडक्शन में उतना ही रॉ मटेरियल्स डालो, उससे ज्यादा डालने से क्या होगा, मटेरियल्स ज्यादा खर्चा होते रहेंगे और हमको वापस ऑर्डर करने पड़ेंगे, ऑर्डर करने के लिए हमको डिलीवरी कॉस्ट चाहिए, उसमें ज्यादा खर्चा चला जाएगा, मटेरियल कॉस्ट चाहिए, ज्यादा खर्चा जाएगा। ह्यूमन अगर सोचो कि 8 घंटे के लिए काम करना है सभी को, 8 घंटे में सब 3 से 4 घंटे सब ऐसे ही पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। जो जो चीज हमें सपोज करो कि एक एक दिन में 100 टॉयज, बच्चों के लिए जो टॉयज होता है वो मैन्युफैक्चरिंग करना है 100, 3 घंटा जाने से सपोज करो कि 80 टॉयज मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, डिमांड मार्केट में भाई 120 का है, मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी है 100 से ज्यादा नहीं कर पाएगा, जितना सारा लेबर है जो भी मटेरियल है 100 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, पर 80 हो रहा है क्योंकि सब इधर उधर मिला हुआ है, लाइक गप कर रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो फिर 20 टॉयस ऐसे ही चला गया है मेरा लॉस में, ठीक है, और 120 मार्केट में डिमांड है, तो भाई 120 की जगह पर हम तो 80 सिर्फ दे पाएंगे मार्केट में, तो ये कैसे रहा, ठीक नहीं रहा, तो प्रॉफिट नहीं, तो प्रॉफिट का तो दूर की दूर बात है, लॉस होते जाएगा, तो आप कैसे जी पाओगे, सर्वाइवल कैसा होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन का। सो सर्वाइवल करने के लिए आपका ह्यूमन रिसोर्सेस एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेस, ये जो दोनों चीज है वो सही से यूज करना पड़ेगा। प्रॉफिट में क्या लिख सकते हो, रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव, रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव फॉर शेयर होल्डर्स, टू कंटिन्यू ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज। प्रॉफिट अगर नहीं कमाओगे क्या प्रॉब्लम होगा, हर एक साल आपका 100 रुपये कॉस्ट लग रहा है एक टॉय के पीछे, ठीक है, 80 टॉय आप बना रहे हो हर एक साल 8,000, और आपका जो इनकम आ रहा है मार्केट में सेल करके वो 8,000 ही आ रहा है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट नहीं है, चला पाओगे, कंटिन्यू कर पाओगे, जो शेयर होल्डर आके आज आपके पास इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, ठीक है, उसको तो पैसा वापस करना है, उसको तो चुकाना है, मिटाना है उसका पैसा, लोन अगर आप ले रहे हो मार्केट में तो उसका इंटरेस्ट भी देना है, तो एक्स्ट्रा जो होगा वो तो प्रॉफिट से ही देना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पैसा आएगा वापस, तो आप सर्वाइवल ही नहीं कर पाओगे, ज्यादा दिन तक अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो सर्वाइवल करना भी मुश्किल हो जाएगा। सो प्रॉफिट के अंदर आप लिख सकते हो इट्स अ काइंड ऑफ इंसेंटिव एंड रिवार्ड, मीन्स एक्स्ट्रा मनी फॉर शेयर होल्डर्स, ताकि हम लोग जो एंटरप्राइज का जो जो भी है ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सके, है ना। ग्रोथ में जाओ, कंटिन्यूअस एफर्ट्स नीडेड टू इंक्रीज मार्केट शेयर, एक एग्जाम्पल ले लो भाई, सिर्फ इंडिया में वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर में एक बिजनेस कर रहे हो, टॉय शॉप है आपका, टॉयज बेचते हो, ठीक है, अभी मार्केट में आपका बगल वाले जो शॉप है वो भी टॉय बेच रहा है, इस साइड में भी टॉय बेच रहा है, ठीक है, आप मिडिल में हो, ये सभी शॉप्स टॉयज बेच रहा है, तो अभी कंपटीशन भी भाई बहुत ज्यादा है, तो अभी कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, आपके पास 3 अगर आदमी आता है, हो सकता है आपके पास एक आए या फिर एक नहीं भी आ सकता है, कोई 2 इधर चले जाए कोई एक इधर चले जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, तो आपका
आपको क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा कस्टमर, ताकि आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, इसलिए आपका जो बाहर का जो नजरिया है वो अच्छा करना पड़ेगा, शॉप का जो डोर वगैरह या फिर बाहर से टॉयज दिखना चाहिए, विंडो वाला जो होता है, विंडो जो होता है वो ग्लास का होना चाहिए, छोटा छोटा चीज, जो एम्प्लॉयज है आपका उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई एक अंदर चले गए आपके शॉप में, ये है भैया ये दिखाइए ना थोड़ा, आपका एम्प्लॉय बोल रहा है कि भाई ये नहीं देख, हाथ में नहीं देंगे, आप देखना है तो दूर से देखिए, ऐसा बिहेव कर रहा है, कोई जाएगा आपके शॉप में वापस? नहीं जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरा शॉप्स में। तो अभी अगर ऐसा होता रहा तो क्या होगा, आपके लिए प्रॉफिट मार्जिन भी कम होने लगेगा, और आपका मार्केट में जितना भी पीपल है आपके पास, शायद 100% अगर पीपल है, शायद 10 to 20% आपके पास आए, और बाकी का 80 to 90% दूसरा शॉप में। चले जाएंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, तो फिर दिक्कत वाली बात है, ग्रोथ आपका नहीं होगा। सो ये ग्रोथ करने के लिए कंटिन्यूअस एफोर्ट देना पड़ेगा, आप एक मैनेजर हो, आप एफोर्ट देंगे तभी ना आप टाइम पे आएंगे ऑफिस में, टाइम पे जाएंगे, सबके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी ना आपका जो ग्रुप मेंबर्स और एक है और जो है वो लोग आपकी तरह टाइम ले आएंगे, टाइम ले जाएंगे और एफोर्ट्स देंगे, तभी ना पॉसिबल है। तो ग्रोथ में हम लिख सकते हैं कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स नीडेड फॉर टू इंक्रीज मार्केट शेयर, राइट। अभी देखिए इधर, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, सोशल वाला जो पॉइंट है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब फॉर सोसाइटी आप क्या कर रहे हो भाई, ये तो एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का कि सोसाइटी में इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए एक कंपनी में सिर्फ मेल्स अलाउड है, फीमेल अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेल फीमेल नो जेंडर गैप शुड बी देयर, जेंडर इक्वलाइजेशन होना चाहिए, ये होता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कास्ट बेसिस पे किसी को एम्प्लॉय कर लिया, लोअर कास्ट वाले को भगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, मैनेजमेंट का यही सोशल ऑब्जेक्टिव है, इम्पोर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव। अभी जो आप सोचो, ये जो है पॉइंट, यूजिंग पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्शन टेक्निक्स, कोई एक चीज आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इतना आपका फैक्ट्री वेस्ट हो रहा है, जितना भी फैक्ट्री वेस्ट है आप क्या कर रहे हो, वो सब आप रिवर में फेंक दे रहे हो, या फिर कोई ऐसा गैस हो जा रहा है ताकि विंड पॉल्यूशन हो रहा है, हानिकारक है, जो जो रेसिडेंशियल प्लेसेस अगर वहां पर रहेगा घर वगैरह, तो फिर उन लोगों के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए वो हानिकारक है। तो ऐसे अब प्रोडक्शन टेक्निक यूज मत करो जिसमें विंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड सैंड पोल्यूशन ये सब हो रहा है, ठीक है? तो पोल्यूशन फ्री हो ऐसे आप प्रोडक्शन टेक्निक यूज करो। और क्या सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है? स्प्रेडिंग द एडुकेशन, आप एडुकेशन स्प्रेड करने की कोशिश करो, सभी लिटरेट हो, कोई जेंडर इनइक्वालिटी नहीं रहना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिच फैमिली का है, बिलोंग करते रिच फैमिली से वही सिर्फ एडुकेशन पा सकते हैं, या फिर जो पुअर के लिए उसके लिए कोई एडुकेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं। अभी कुछ कुछ स्कूल में, या फिर आप देखोगे कुछ कुछ कंपनी भी ऐसा प्रमोट कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, जो अच्छे बच्चे हैं या फिर जिसके पास पैसा कम है वो लोग भी पढ़ सकते हैं। तो ये सब सोशल में, हम डिटेल्स में जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है? पर्सनल में जैसा है कि एम्प्लॉयज का फाइनेंशियल नीड है, एम्प्लॉयज का भी सोशल नीड है, डेवलपमेंट नीड है, तो ये सब बेसिक्स है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि दिस इज लेक्चर नंबर 6 एंड वी विल मूव इन लेक्चर नंबर 7 टू सी ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस, ओके? सो ऑल द बेस्ट।